थाना 39 की पुलिस टीम द्वारा चार टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों लोग राह चलते लोगों को बेवकूफ बनाते थे और बोलते थे कि हमारे पास 500 रुपए की गड्डी है जिसको हमें अपने घर भेजना है और उसको भेजने में हमारी मदद करिए। ये क्लेम करते थे कि ये जो 500 रुपए की गड्डी है ये अपने जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसके मालिक से चुरा के लाए हैं और मालिक क्योंकि इनको पैसे दे नहीं आया था इसलिए इनको चुरा के ले आए हैं। अब इनको डर लग रहा है कि इस पैसे का करेंगे क्या ये, और बोलते हैं कि हमारे पास ऐसी 500 रुपए की करीब करीब तीन गड्डियाँ हैं जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। ये सुनकर कई बार लोग इस बात में आ जाते थे और इसके ये इतनी बातें करने के चक्कर में ये लोग पहले एक व्यक्ति आता था, उसके बाद जो रागी को इन्होंने पकड़ा है उसको कन्विंस करने के लिए इन्हीं की गैंग का दूसरा व्यक्ति आता था और वैसी बातें बताते थे कि कोई बात नहीं, मतलब इस तरह से बातें बनाते थे कि जिससे व्यक्ति कन्विंस हो जाए कि ये आदमी जेन्युइन है, इसके 3 लाख रुपए वाकई हैं। और बार बार ऐसी बातें बोलते थे कि हम पैसा फेंक देंगे, मुझे डर लग रहा है, मतलब एक पूरी ही फिल्मी रूपांतरण करके एक व्यक्ति को मुक्त करने की कोशिश करते थे जिससे उस व्यक्ति कन्विंस हो जाए कि वाकई 3 लाख रुपए इसमें रखे हुए हैं। जब वो पैसे और ये बोलकर कि पैसे आप भिजवा दीजिएगा हमारे पैतृक गांव, ये बोलकर पैसे देते थे और इस पैसे देने के दौरान ये लोग उसका असली एटीएम कार्ड जो है वो निकाल लेते थे, उसकी जगह कोई मेट्रो कार्ड रख देते थे और उसका मोबाइल कार्ड भी निकाल लेते थे। और जैसे ही वो व्यक्ति ये नोटों की नकली गड्डी लेकर 10-15 मीटर ही आगे जाता था ये लोग भाग लेते थे वहाँ से, जो भी नियरेस्ट ऑटो रिक्शा मिलता था उसे तुरंत भाग लेते थे और जो भी सबसे पास में एटीएम होता था वहाँ जाके जो पैसा निकल पाता था उसे निकाल लेते थे। और जो फ़ोन ये लोग चोरी अगर कर पाते थे तो उस फ़ोन में जो भी ऐप हैं यूपीआई ऐप्स हैं उनमें जो भी नियरेस्ट दुकान है उसके पास जाते थे और उस दुकान में बोलते थे कि भाई इतना परसेंट कमीशन आप रख लो और बचा हुआ पैसा आप हमको दे दो, आप हमको कैश करके दे दो, और इमरजेंसी बोलते थे जिससे दुकान वाले भी कन्विंस हो जाएं कि इनकी वाकई कोई इमरजेंसी होगी। उसके बाद जब तक व्यक्ति को रिलैक्स होता था उसका 2-4 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर उसका सारा बैंक खाली हो जाता था और ये इनका मुख्य मॉडल ऑपरेटिव था। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इस तरह की गैंग काफ़ी बड़ी संख्या में दिल्ली NCR में घूम रही है और जो आपको केवल ऊपर का एक नोट नकली होता है और बाकी रुमाल के अंदर रखे होते हैं और अंदर न्यूज़पेपर होते हैं, और इस तरह की गैंग काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट कर रही है दिल्ली NCR में। इसे ध्यान रखें कि इस तरह की कोई भी आपराधिक गतिविधि, आपको कोई पैसा बोला कि मैं पैसा कहीं से लेके आया हूँ, तो उसको उससे सतर्क रहें, ध्यान रखें।